प्रयागराज के कर्नलगंज थाना में दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद प्रेमिका ने प्रेमी से मुलाकात की। एक बार फिर उसने प्रेमी से शादी करने को लेकर बातचीत की। उसने पूछा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। प्रेमी के इनकार करने के बाद युवती ने अपना आपा खो दिया। वह थाने से निकलकर कुछ दूर जाने के बाद एक गली में पहुंचते ही अपनी कलाई की नस ब्लेड से काट ली। यह देखकर आसपास के लोग सन्न रह गए। वहीं पुलिस को सूचना दी गई। आनन फानन में उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। वह खतरे से बाहर है, जहां उसे प्राथमिक इलाज के बाद उसके रिश्तेदारों के यहां भेज दिया गया है। दरअसल 20 जुलाई को पीड़िता की ओर से दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मुकदमे में शनिवार को युवक को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि 21 साल की युवती झुंसी की रहने वाली है। करीब एक साल से दारागंज में अपने ननिहाल में रह रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात सलोरी में रहकर सिम बेचने का काम करने वाले शिवम मिश्रा प्रतापगढ़ से हुई। दोनों में इस बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। इसके बाद दोनों पिछले 6 महीने से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। कुछ दिन साथ रहने के बाद प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर युवती 20 जुलाई को प्रेमी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। इस मामले में कर्नलगंज पुलिस ने शनिवार शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं गिरफ्तारी की जानकारी होने पर युवती भी थाने पर पहुंच गई थी। कर्नलगंज इंस्पेक्टर विजयजीत सिंह ने बताया कि युवती की हालत खतरे से बाहर है। वहीं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।